अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी किचन इन न्यूजीलैंड। आज मैं बना रही हूँ मिन्स फ्लैट ब्रेड। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैं डो बनाऊंगी, उसके लिए लिया है मैंने 4 कप्स वाइट फ्लावर यानी मैदा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर 1 टीस्पून, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून। और इसमें एक जाएगा इसमें 1 एग। उसमें ईस्ट डलेगी 11 ग्राम। बस ये सब डाल के इंग्रेडिएंट, पहले हम इनको अच्छी तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे तो इनको हम मिक्स करेंगे पहले, फिर लुक वार्म वाटर से मैं इसको नीट करूँगी यानी इसका डो बना लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और मैं इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि फिर हम इसको रख देंगे गूंदने के बाद तो ये राइज हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़ाहिर है इसमें ईस्ट यूज़ किए तो फिर ये अच्छा सा राइज हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम अपनी इसकी ब्रेड बनाएंगे। ये देखिए जल्दी जल्दी इसका डो रेडी कर रही हूँ और ये देखिए हो गई है, बन गया है डो। और अब मैंने लिया है बाउल में 1/2 kg मिन्स, चिकन मिन्स, ब्लैक पेपर डाल दिया है 1 टीस्पून। और रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून। क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला यानी ऑल स्पाइस 1 टीस्पून। सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, यानी मैंने तो इसमें 1/2 टीस्पून डाला था लेकिन आप लोग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और जिंजर पेस्ट भी 1 टीस्पून। और आप ये सब मिक्स करूंगी मैं अच्छी तरह ताकि सारे जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं वो मिन्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम अनियन चॉप्ड। टू स्मॉल टोमेटोज हैं, वो भी मैंने इसी तरह छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। और 3 मैंने लिए ग्रीन चिलीज, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया 3 टेबल स्पून। बस ये सब इसमें हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूंगी
उसी ब्रेड की जो हमारी फिलिंग है ये रेडी हो गई है। उस तरह हमने सारे स्पाइसेस डाल के मिक्स करके रख लिए हैं और अब ये देखिए मैंने बनाना शुरू किया। हमारा आटा बहुत अच्छा सा राइज हो गया था, उसके मैंने एक बॉल बना के और इसको मैं इस तरह रोलिंग पिन की मदद से इसको मैं रोल कर रही हूँ, यानी हम इसको जो है लंबाई में बेलना है। और अभी जो मैंने कीमे में सब सारे स्पाइसेस मिक्स करके रखे थे वो उसमें हम ऐसे ही लगाएंगे, यानी अनकुक इसमें हम जो है वो इसकी कीमे की फिलिंग करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बेक होगा तो कीमा भी खुद कुक हो ही जाएगा उसमें जब बेक होगा। तो ये देखिए इस तरह सेंटर में हमें इस तरह ये कीमा रख देना है। शेप अगर आप चाहें तो कुछ और कोई और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जिस तरह शेप दिया है वो लोग आप लोग देख ही रहे हैं। बस अब इसको दोनों साइड से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे कि बीच में से हमने जो ये मिंस लगाया है ये भी नज़र आता रहे और दोनों तरफ से ये फोल्ड हो जाए। बस इस तरह इसको फोल्ड करना है। बस इसी तरह से ऊपर से भी इसको इसी तरह फोल्ड कर दिया है मैंने और हमारी एक ब्रेड तो हो गई रेडी। ये देखिए अब क्योंकि मैंने इसमें कोई ऑयल तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है, तो अब इसके ऊपर से मैं इसमें ऑयल जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। ओवन हमने प्री हीट कर लिया है अपना पहले ही, बस अब इसको हम जो है वो बेक करेंगे। ये देखिए 180 सेल्सियस पर 15 टू 20 मिनट हम ये बेक करेंगे और ये देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा कलर आया है। हमारी मिंस फ्लैट ब्रेड रेडी हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए मैं नीचे से भी आपको पलट के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा कलर आया है, कट भी करके दिखा दिया है। तो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।